नमस्ते, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आकाशिक रिकॉर्ड आखिर क्या होते हैं, इसको कैसे खोल सकते हैं, तो आज थोड़ी सी उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना, वो हमारे सोल की लाइब्रेरी है, उसमें सारे रिकॉर्ड हैं। यानी कि सोल, हमको पता है कि आत्मा है और आत्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, वो एक एनर्जी फॉर्म है। तो एनर्जी सदियों से, सालों से, किसी भी इंसान ने कितने भी रूप लिए हों, वो एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो हमारी वो जो एनर्जी है उसने अभी तक क्या क्या किया, उस सब का रिकॉर्ड हमारे सोल रिकॉर्ड यानी आकाशिक रिकॉर्ड में है। जैसे कि हमारे सपने होते हैं ना, हमारा ड्रीम्स होते हैं, तो वो एक अलग कॉन्शियस लेवल होता है हमारा। हमें सपनों में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और उसको हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो हमें क्यों दिख रही हैं या किस लिए सपने आ रहे हैं। ऐसे ही ये सारे एस्पेक्ट जो एक सोल के होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्टोर होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में। तो जैसा मैंने आपको कहा, सिंपल वर्ड्स में आप इमेजिन कर लीजिए, आपकी जो सोल की बुक्स हैं वो एक लाइब्रेरी में स्टोर्ड हैं, यानी कि वो पूरी लाइब्रेरी हमारी एक आकाशिक रिकॉर्ड की जगह है। वहाँ सबकी सोल के रिकॉर्ड उसी तरीके से स्टोर्ड है जैसे कि लाइब्रेरी में हमारी अलग अलग बुक्स होती हैं और अलग अलग चैप्टर्स और टॉपिक्स हमको पढ़ने को मिलते हैं। पर यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हम उस आत्मा के बारे में, उसके रिकॉर्ड्स उस आकाशिक रिकॉर्ड में हम ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं। तो हमने ये देखा कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे खोल सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं, या क्या इनको खोलना या पढ़ना मुमकिन है भी या नहीं। तो देखिए, इनको खोलना और पढ़ना बिल्कुल मुमकिन है। हम सारे इंडिविजुअल जो हैं, सारे ह्यूमन बींग, सबके पास वो पावर है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड को खोल सकता है, पर हम शायद इतने इवॉल्व नहीं हैं, अपने कॉन्शियस लेवल के उस सीमा तक नहीं पहुँचे हैं कि हम सारे लोग वो काम कर सकें। इसलिए कुछ स्पिरिचुअली अवेयर लोग जो ये आकाशिक रिकॉर्ड को खोल सकते हैं, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं भी आकाशिक रिकॉर्ड को खोलती हूँ और पढ़ती हूँ। उसके लिए हमको एक स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी एक स्पेशल मेडिटेशन होता है जिस पे कि हम सेवेंथ रियाल्म पे पहुँचते हैं, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हमें अपने आप को पहुँचाना होता है कि जहाँ पर जाकर हम ये रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम किसी के भी रिकॉर्ड को अगर पढ़ना चाहें तो वो हम पढ़ सकते हैं, बट दिस रिक्वायर्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोसीजर, वेरी वेरी स्पेशल नॉलेज। और ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब सिखाते हैं, और वहाँ पर हमको इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इसका अट्यूनमेंट होता है, और क्या प्रैक्टिस होती है पूरी, बिकॉज बहुत रिचुअल्स के साथ ये प्रैक्टिस को हमको फॉलो करना पड़ता है अगर किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड हमको खोलना हो तो।